नए भारत का नया कानून 1 जुलाई से देश भर में लागू होना है। नए कानून में काफी बदलाव किए गए हैं। नए कानून के तहत 1 जुलाई से देश या विदेश में कहीं से भी लोग संबंधित थाने के थाना प्रभारी को फोन से मौखिक शिकायत करने के अलावा पुलिस की वेबसाइट पर जाकर संबंधित थाने का चयन कर लोग EFIR दर्ज कर सकेंगे। इस FIR की मान्यता तब तक नहीं होगी जब तक वे ईमेल से भेजी गई शिकायत के 3 दिन के अंदर शिकायत से संबंधित पर्याप्त साक्ष्यों को लेकर थाना प्रभारी के सामने उपस्थित नहीं होते हैं। बयान और साक्ष्यों के बाद पुलिस अधिकारी प्रथम दृष्टया शिकायत का सत्यापन करेंगे। पुलिस अधिकारी के संतुष्ट हो जाने के बाद जब शिकायतकर्ता FIR पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तब जाकर FIR की मान्यता होगी। अपराध से संबंधित हर जानकारी, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, किसी भी थाने के थाना प्रभारी को मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा भी दी जा सकती है। में जो परिवर्तन किए गए हैं, उस परिवर्तन के उपरांत जो नए अधिनियम लागू हुए हैं उसका पूरे देश में क्रियान्वयन हो जाएगा। जैसे कि IPC के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, CRPC जो पहले था उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सभी लागू हो जाएंगे। और इसके लिए बिहार पुलिस के द्वारा लगातार तैयारियां कर ली गई हैं और तैयारियां अब अंतिम दौर में। साल 2012 में निर्भया केस के बाद केंद्र सरकार ने महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में 0 FIR की सुविधा दी थी। तब कुछ राज्यों के कुछ थाना प्रभारी ही इस पर अमल कर रहे थे। नए भारत के नए कानून के तहत अब देश के हर राज्य की पुलिस महिलाओं की शिकायत पर 0 FIR दर्ज कर सकती है। 0 FIR दर्ज कर पीड़िता का संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाकर थाना प्रभारी मेल से 0 FIR को संबंधित थाने को भेज सकेंगे। नए कानून में 0 FIR को वैधानिक मान्यता दे दी गई है। अब इंसाफ के लिए भटकना नहीं होगा। केंद्र सरकार का दावा है कि अब इंसाफ के लिए आम आदमी को भटकना नहीं पड़ेगा। अब देश में कहीं भी 0 FIR दर्ज करवा सकेंगे। इसमें धाराएं भी जुड़ेगी। अब तक 0 FIR में धाराएं नहीं जुड़ती थी। 15 दिनों के भीतर 0 FIR संबंधित थानों को भेजनी होगी। छोटे छोटे मामलों और 3 साल से कम सजा के अपराधों के मामलों में समरी ट्रायल किया जाएगा। इससे सेशन कोर्ट में 40% से ज्यादा मामले खत्म होने की उम्मीद है। पुलिस को 40 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। परिस्थिति के आधार पर अदालत 90 दिनों का समय और दे सकती है। 180 दिन यानी 6 महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। कोर्ट को 60 दिनों के भीतर आरोपी पर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। देश भर में ये नया कानून अगले 11 दिनों के बाद लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस नए आपराधिक कानून की जरूरत क्या है। आपराधिक कानून के निर्माण और उसे कायम रखने के पीछे केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य है अपराध को रोकना, जनता की रक्षा करना, अपराध करने वालों को दंडित करना, पीड़ितों का पुनर्वास करना, उन लोगों का समर्थन करना जो अपराध से पीड़ित हैं। इस कानून का सबसे बड़ा मकसद है बड़े पैमाने पर समाज के नैतिक संहिता को परिभाषित करना, यह तय करना कि इस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए क्या उचित और सही व्यवहार है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी करना।